अस्सलाम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो हमारे घर आज मेहमान आए हुए हैं, मैं सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, ये लाहौर से आए हैं। तो इसका नाम है, एक जो मेरा कज़न है ना, इसका नाम है हनैन। इसको सबसे ज़्यादा शौक है परिंदों का, बाकियों को भी है मगर इसको सबसे ज़्यादा है। तो अभी ये कह रहा था चूज़े खोलने हैं, तो मैंने कहा खोल लूँ क्योंकि ऐसे भी इनका दाना पानी का टाइम हो रहा है। तो अभी वो चूज़े खोलता और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखे दोस्तों, ने दरवाज़ा खोल दिया नैन ने। दोस्तों ये मारते भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये बाहर चले गए, वहाँ दिखाते हैं आपको। दोस्तों हमने दाना भी डाल दिया इनको और पानी भी, दाना खाना इन्होंने शुरू कर दिया, तो अभी ठहर के ये पानी भी पी लेंगे। तो दोस्तों बाकी सब ने खाना खा लिया, ये नहीं, इसका पेट नहीं फुल हो रहा। तो बाकी तीन थे, उन्होंने खाना खा लिया, वो अब इधर उधर फिर रहे हैं, तो इसका पेट नहीं फुल हो रहा, देखते हैं कब इसका पेट फुल होता है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दाने हमने इसको डाले थे इन लोगों को, चूज़ों को, तो देख ले थोड़े से दाने रह गए हैं, तो ये खा ले, फिर इसको भगाते हैं और कबूतर खोलते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे पैरट्स, इनको हमने दाना पानी सुबह ही डाल दिया था, तो इसलिए अब इनको कुछ नहीं डालना, ऐसे ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखे कैसे बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसका अभी भी पेट फूल नहीं हुआ, इसने जो गंदम के दाने थे वो खा लिए हैं और बाजरा रहने दिया, अभी भी वैसे खा रहा है, तो देखते हैं कब इसका पेट फुल होता है, तो आपको भी दिखाएंगे हम। तो दोस्तों सूरज ग्रूब हो रहा है, आज के दिन का सूरज ख़त्म, अब कल सूरज तलू होगा, आज सूरज ग्रूब हो रहा है, तो मैंने सोचा आपको ब्यूटीफुल सीन दिखाते हैं। देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह ये सीन, ये आगे दरख्त भी आए हुए हैं तो वैसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। दोस्तों इस मुर्गे का पेट फुल हो गया, ये पानी पी रहा है, और बाकी जो दो तीन थे वो उनमें से एक दो आ गए। अब पहले अकेला था वो जिसका पेट फुल हुआ वो भी वापस आ गया। यार मेरे मुर्गे खाते ही बड़ा है, पता नहीं मोटे फिर भी नहीं हो रहे। दोस्तों ये वाला मुर्गा पहले दाने खाई जा रहा था, अब पानी पी जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। यहाँ इसका पेट फुल होता है ना, ये पानी पी थकता है, खाई जाता है। और बाकी चूज़े देखे कितने मोटे हैं, और ये देखे कितना सा, इतना सा। दोस्तों ये देखे, ये वाला मुर्गा फिर से खाना शुरू हो गया, यार इसका पेट ही नहीं फुल हो रहा। दोस्तों इनका तो पेट फुल नहीं होना, तो हम लोग इनको बंद करते हैं, क्योंकि पिजन्स को भी खोलना है, इनको बंद करते हैं और कबूतरों को खोलते हैं। दोस्तों ये गराज के अंदर आ गए हैं, तो मेरे कज़न लगे हुए हैं, इनको डरा रहे हैं ताकि पिंजरे के अंदर जाएं। तो मैंने कहा कि आप लोग इनको पिंजरे के अंदर की तरफ डराओ, तो मैं ब्लॉग बनाता। ये देखे पिंजरे की तरफ डरा रहे हैं, शित शित कर रहे हैं कुधर को जाए। अरे तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने मुर्गे बंद कर दिए, तो अब हम पिजन्स खोने लगे हैं। मैं चाबी ले आऊँ अंदर से, फिर इनका ताला खोल के। ये देखे माशाल्लाह से मेरे मुर्गे अजाने भी देते हैं। ये देखे मेरा कज़न खोलने लगा है कबूतरों को। तो दोस्तों इनका हमने दरवाज़ा खोल दिया, तो खुद हम बाहर चले जाएंगे क्योंकि ये आते नहीं हैं बाहर, इधर ही। तो दोस्तों पिजन बाहर आ गए हैं, इनको हम लोगों ने दाना डाल दिया। ये देखें उनको पता चल गया कि दाना डाल दिया हमें, तो वो खाना शुरू कर दिया, उन्होंने आ गए हैं पास। ये देखें अगर इनके पास खड़े रहे तो ऐसे डरते रहते हैं। तो दोस्तों इनके दाने ख़त्म हो गए हैं, मैं अंदर से और दाने ला के डालता हूँ इनको, वो देखे कैसे पानी पी रहा कबूतर, वो पीछे भी सीन चेक करें। ये देखें आप लोग, अभी मैं इनको दाने ला के डालता हूँ।
दोस्तों मैंने दाने डाल दिए और फिर से खाना शुरू कर दिए इन लोगों ने। पहले तो पीछे हट गए थे क्योंकि दाने ख़त्म थे, अब मैंने दाने डाले हैं तो फिर खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ये देखें अजाने पे अजाने दे रहे हैं मेरे मुर्गे। हो सकता है आपको आवाज़ आई हो लेकिन मुझे तो सुनाई दी है क्योंकि मेरे पास हैं वो। ये देखें दोस्तों पानी पी रहे थे कबूतर। ये देखें तो दोस्तों ये देखें मेरे पिजन्स का पेट कितनी जल्दी फुल हो जाता है। चूज़ों का यार पेट ही नहीं फुल होता। देख ले पिजन्स खुद ही चले गए, दाने भी अभी हैं पानी भी अभी है, उनका पेट फुल हो गया वो अंदर चले गए। आपको मैं अब अंदर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख लें पिंजरे के अंदर आ गए, मस्ती कर रहे हैं सारे कबूतर। ये देखें तीन बाहर हैं, एक ये दरवाजे पे देखें, इसको बड़ी मस्ती आ रही है। तो अभी मैं इन सबको बंद करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने पिजन्स भी बंद कर लिए हैं, चूजे पहले बंद कर दिए थे। तो अभी पेरेंट्स को दाना पानी तो डाल दिया, तो वैसे ही आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो मैं अभी उनके पिंजरे के अंदर चलता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं पैरेट के केज में आ गया हूँ। ये देखें ये हमारा राह का पैरेट बैठा है, ये बाकी बजीज बैठे हैं और वो रहे नीचे काकटे। तो इनका दाना भी है पानी भी है, इनके पिंजरों में भी है काकटेल के और रॉक पैरट्स के पिंजरों में भी है। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी ब्रीडिंग बता देता हूँ क्या हिसाब किताब है। तो ये जो बॉक्स टूट गया था हम लोगों ने इधर वैसे ही रख दिया था, लेकिन फीमेल ने वो देखे अंडे, फीमेल ने इसके अंदर अंडे दे दिए और इसके अंदर भी फीमेल बैठी हुई थी, इसके अंदर भी अंडे हैं देख लें, दो अंडे हैं माशाल्लाह। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी फीमेल है। ये देखें दोस्तों इसके अंदर भी अंडे हैं। तो माशाल्लाह से ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये जो ऊपर वाली मटकी है यहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता, तो इनका हम अलग से किसी दिन व्लॉग बना लेंगे, आपको दिखाएंगे माशाल्लाह से। ये भी बहुत प्यारी ब्रीड मुझे लग रहा कारनी है, क्योंकि जो इनके पैर हैं ना लगे हुए जो ऊपर वाली मटकियों में है वो पैर बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें कितना लंबी टेल वाला मेल बैठा हुआ है माशाल्लाह से। और ये देखें वो उधर से मुंह निकाल के देख रही है कौन बोल रहा है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे पैर हैं जो ऊपर लगे हुए हैं, और जो नीचे हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। तो इस मटकी में एक दिन पहले भी मैंने दिखाया था के बजीज का एक बेबी है। तो अभी मैं फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ कितना बड़ा हुआ है, क्या हिसाब किताब है। तो मैं आज बाहर निकाल लूँगा, उस दिन भी वीडियो में सही क्लियर नहीं था दिखाया गया। दोस्तों काटी बहुत ज़बरदस्त करता है तो इसलिए ये पकड़ा इतनी आसानी से नहीं जाएगा, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। माशाल्लाह दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा काटी बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। तो ये देखें माशाल्लाह से इसके पर भी खुल गए हुए हैं, कितना मोटा और हेल्दी है। यहाँ छोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें दोस्तों ये देखें माशाल्लाह वो बाहर आ गया तो उसे अजीब अजीब लग रहा है, सही पूरा शेड बन गया हुआ है। परों पर देखें कितना प्यारा शेड है माशाल्लाह। ये मेरे कज़न्स भी मेरे साथ पिंजरे के अंदर आए हुए हैं, कह रहे थे हमने भी चिक्स देखने हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें कितना प्यारा चिक्स है। तो अभी हम इसको आप पिंजरे के अंदर डाल के वापस मटकी के अंदर, सॉरी दोस्तों मैंने पिंजरा कह दिया, मटकी के अंदर डालना इसको। ये मैंने इसको वापस मटकी के अंदर डाल दिया, इसको बाहर इसलिए नहीं निकाल रहे, अगर इसको हमने बाहर निकाल दिया इससे उड़ा नहीं जाता। तो ये नीचे बैठेगा पानी तो पी लेगा, लेकिन यहाँ दानों वाला ऊपर है तो दाने कैसे खाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको बाहर नहीं निकाल रहे। और ये देखें वो उससे ऊपर वाली मटकी में भी दोस्तों कुछ है, वो भी मैं दिखाता हूँ अगर फीमेल हट गई तो। माशाल्लाह दोस्तों इसमें भी अंडे हैं हमारी, मुझे लगता है हर मटकी में मांडे आ गए होंगे। कल मैं व्लॉग बनाऊंगा तो ऊपर वाली भी कोशिश करूंगा आप लोगों को चेक कराऊं कि उसमें अंडे हैं या बच्चे हैं। तो अभी बाहर चलते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। तो
तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए खुदा हाफिज़।